बच्चों न्यूलाइट के नीट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नीट 2020 के शानदार रिजल्ट के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि 2021 का रिजल्ट और कैसे बेहतर किया जाए, और बच्चों एक डिसीजन लिया गया कि जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, 500 के ऊपर हैं, उन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 500 के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा अभी कुछ ही दिन तो पहले उन्होंने फुल सिलेबस पढ़कर पेपर दिया था, तो क्या एक या डेढ़ महीने में उनके दिमाग से कुछ वॉश आउट हो जाएगा, फिर वो ABCD करके एक चैप्टर से तैयारी करें। मुझे लगा नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैंने बच्चों से बात की तो बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन जब वो टेस्ट देने लगे फुल लेंथ, उनको मजा आने लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जब ज्यादातर बच्चे अभी पूरे हिंदुस्तान में एक एक चैप्टर से तैयारी कर रहे हैं, एक एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं, तो ये हमारे बच्चे जिन्होंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, वो अभी से पूरा सिलेबस पढ़कर पेपर दे रहे हैं। और एक बात तो बच्चों बिल्कुल सही है कि फाइनली आपका सिलेक्शन टेस्ट से होना है, एंड एट द सेम टाइम पूरे सिलेबस से होना है, तो आप तो हमेशा तैयार हैं टेस्ट के लिए। जितना टेस्ट देंगे, जितनी गलती करेंगे, उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। और मैंने आपको भी बताया था एक बात कि जब तक मुंह में खाना नहीं आता तब तक टेस्ट बड एक्टिवेट नहीं होते, उसी तरह से जितना टेस्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका इंप्रूवमेंट बहुत आगे होगा और आप नीट में सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में बच्चों जैसा कि आपको पता है, हो सकता है कुछ कमी हो, उसको हम लोग रेगुलर इंप्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेस्ट सीरीज में कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं आना है। मैंने नीट वर्सेज 2020 एंड न्यूलाइट टेस्ट सीरीज का वीडियो डाला, जिसको आपने देखा होगा, पूरा पेपर मैच किया। क्यों मैच किया? क्योंकि नीट में भी पेपर NCERT से आना है और हम लोग भी पेपर NCERT से ही बना रहे हैं। तो बच्चों मुझे खुशी है कि आप सब बढ़ चढ़कर इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो और आप इस टेस्ट की अहमियत को समझ रहे हो। अगर आप अभी से फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो कंपटीशन में ऑलरेडी आपने बहुतों को पीछे कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी या तो टेस्ट नहीं दे रहे हैं और या तो चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, और कंपटीशन तो सबको साथ में देना है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे अभी से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो आगे हैं, निश्चित रूप से आगे हैं, और ऑलरेडी उनका बैक रिकॉर्ड भी अच्छा, ऑलरेडी उनके नंबर 500 के ऊपर भी है। तो ये सातवां टेस्ट था न्यूलाइट में, जो केवल फिजिक्स का फुल लेंथ टेस्ट था, और मुझे खुशी है कि फिजिक्स में भी उनके नंबर 710 आ रहे हैं 720 में। इसका मतलब बायोकेमिस्ट्री तो उनकी अच्छी होगी ही, तो हम लोग करीब करीब अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, अब की बार 700 पार। और बच्चों ये जो टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हुआ था, पैन इंडिया था, जिसमें 8 पोजीशन ऑफलाइन की और 2 पोजीशन ऑनलाइन की है। तो मोहम्मद अफान खान 710 नंबर पाए और इनकी फर्स्ट रैंक थी। सूर्य भान 695 सेकेंड रैंक। अमित कुमार जायसवाल 680 थर्ड रैंक। सौम्या 675 फोर्थ रैंक। राजेश साहू 670 फिफ्थ रैंक। रिफा अंसारी ऑनलाइन 670। सचिन पटेल ऑफलाइन 665 सेवेंथ रैंक। क्रिस चंद पटेल ऑफलाइन 659 एट्थ रैंक। मेधावी शुक्ला ऑनलाइन 658 नाइन्थ रैंक। एंड अर्नेश द्विवेदी ऑफलाइन 655 टेंथ रैंक। 8 रैंक फ्रॉम ऑफलाइन एंड 2 रैंक फ्रॉम ऑनलाइन। तो बच्चों हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी दिक्कत हो फुल लेंथ टेस्ट देने में, लेकिन जब आप सेलेक्ट होंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप निश्चित रूप से बोलेंगे कि नहीं सर, बिल्कुल सही डिसीजन था फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इस बात का पड़ता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो दूसरे अगर अभी चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं और आप अभी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं पूरा पढ़ के, तो निश्चित रूप से आप बहुतों से बहुत आगे हैं। एक बात बच्चों और बता दें कि आपके टेस्ट बड तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपके मुंह में खाना होता है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में गलती करेंगे तो निश्चित रूप से इंप्रूव करेंगे। एक हमारा सजेशन है कि जो भी पढ़िए उसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए, और
दिन पर दिन अपने को इम्प्रूव करिए। निश्चित रूप से 100% जो बच्चे बहुत सीरियसली फुल लेंथ टेस्ट सभी से दे रहे हैं वो नीट को फोड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से फोड़ेंगे वो। ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, इसलिए बता रहे हैं। तो दिस इज द टाइम, आगे बढ़िए और इतना आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए कि लोगों को बहुत पीछे छोड़ दीजिए। नीट का रिजल्ट आपकी मुट्ठी में होगा, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। टेस्ट सीरीज में कमी है कुछ, जो भी कमी है उसको हम लोग दिन पर दिन पूरा करते जा रहे हैं और बिल्कुल विश्वास करिएगा कि एक भी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में छूटेगा नहीं जो नीट में पूछा जाए। तो बच्चों, एक नए जोश, एक नए उत्साह, एक नए लगन, एक नए विजन, एक नई आशा, एक नए विश्वास, एक नए गोल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपने दिमाग में निगेटिविटी को दूर करते हैं और थोड़ा सा एक बात और कहेंगे कि बच्चों, ब्रेन का पार्ट जानते हो ना, हाइपोथैलमस, फीलिंग्स, इमोशंस, लव। तो हाइपोथैलमस के उस वाले पार्ट को किनारे कर दीजिए और अपने हाइपोथैलमस को जोड़ लीजिए किताबों के साथ। पक्का मानिए, नीट आपकी मुट्ठी में होगा और 2021 आपका होगा। आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और आपके मिशन में हर पल हर सेकेंड टीम न्यूलाइट आपके साथ है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। और वन डे वन चैप्टर की सीरीज हमने शुरू की है बायो में, शाम को 7 बजे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, उसको जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।